बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मजमजति मिनल लबन। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अनुहुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीब लबनन फदअ बिमाइन फमजमज वकाल इन्न लहु दसमन वफिल बाब अन सहल इब्ने सअद व उम्म सलमा قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد راى بعض اهل العلم المزمزه من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم ير بعضهم المزمزه من اللبن। ये बाब दूध से मजमजे का बयान, यानी दूध पी लेने के बाद मजमजे का क्या हुक्म है, या ज़रूरी है या मुस्तहब है। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीब लबनन फदअ बिमाइन, आपने पानी मंगवाया, फमजमजा आपने कुल्ली की मजमजा फरमाया, वकौला इन्न लहु दसमन, और उसके बाद आपने फरमाया कि इसके लिए चिकनाई है, यानी ये चिकनाहट है इसके अंदर। इन्न लहु दसमन, दूध में चिकनाहट होती है। यहाँ पर दो बातें याद रखने के लायक हैं। पहली बात यह है कि यह हदीस शरीफ आदाब ताम से मुतालिक है, और यही आम तौर पर समझा भी जाता था, यानी मुंह साफ कर लेना चाहिए, इसमें चिकनाहट है। सबसे पहले हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस शरीफ को आदाब सलात से मुतालिक किया और फरमाया कि फौरन अगर नमाज पढ़नी हो तो कुल्ली करना ज़रूरी है। उन्होंने इसको ज़रूरी करार दिया और इसको आदाब सलात से मुतालिक कर दिया कि अगर कोई आदमी दूध पिए तो फौरन नमाज पढ़ना चाहे तो उसके लिए कुल्ली करना ज़रूरी है। चूँकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सरखील मुहद्दिसीन हैं, इसलिए दूसरे अइमा ने भी यही ख्याल रखा। इसी वजह से इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताब तहारत में लाया। मगर ख्याल ये है अक्सर मुहद्दिसीन का और अक्सर अकाबिर का कि ये हदीस आदाब ताम से मुतालिक है। कोई शख्स अगर मसलन केला खाया और अभी मुंह में जो है उसकी मिठास बाकी है तो कुल्ली करना ज़रूरी नहीं है, उसके बग़ैर भी नमाज दुरुस्त है, नमाज में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, अगर मिठास के साथ साथ उसके रेशे और गूदे भी हैं तो फिर कुल्ली करना ज़रूरी है। पहली बात ये समझनी थी। दूसरी बात ये समझनी है कि ये हदीस शरीफ सिर्फ दूध के साथ ख़ास नहीं है। अगरचे हदीस शरीफ में दूध का वाकया है कि शरीब लबनन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, मगर ये हदीस शरीफ सिर्फ दूध के साथ ख़ास नहीं, दीगर अशिया का हुक्म भी यही है कि जिनके जैसा का भी जिक्र किया गया कि मसलन केला है या कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके खाने से उसके चिकनाहट की वजह से या उसके गूदेपन की वजह से मुंह में कुछ देर उसका असर बाकी रहता है, तो उसके साथ भी यही हुक्म रहेगा जो दूध का है। जैसे कि दूध में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इन्न लहु दसमन, तो ये एक इल्लत के तौर पर है। तो ये चीज़ जहाँ भी पाई जाएगी, ये इल्लत जहाँ भी पाई जाएगी, उसका हुक्म यही रहेगा और वहाँ कहा जाएगा कि मुस्तहब है कि वो कुल्ली कर ले ताकि मुंह बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाए। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।